आप सभी का स्वागत है ई आई एजुकेशन में। और आज आप लोग को बताने वाले हैं कि रोहिलखंड विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र छात्रा हैं आप लोगों को बेसब्री से इंतजार है अपने रिजल्ट का। और खास तौर पे जो कि थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उन्हें सबसे ज़्यादा इंतजार है अपने रिजल्ट का। और अभी तक आप लोग के यूनिवर्सिटी की ओर से जो थर्ड ईयर का रिजल्ट है वो जारी नहीं किया गया है, क्योंकि आप लोग थर्ड ईयर में हैं, आप लोग के रिजल्ट आ जाए उसके बाद से आप लोग अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग कॉलेज में एडमिशन लेंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा जो इंतजार है वो थर्ड ईयर के स्टूडेंट को इंतजार है कि आप लोग के रिजल्ट हैं वो कब तक आने वाले हैं। तो आप लोग के जो इंतजार है अब वो थोड़ा कम होगा। आप लोग को पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आप लोग के जो रिजल्ट हैं वो कब तक आने वाले हैं। जो भी यूनिवर्सिटी की ओर से जो भी जानकारी हम लोग को मिली है उसके हिसाब से आप लोग को पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप लोग देख लीजिए जो कि आज के न्यूज़पेपर में यहाँ पे पूरी जो जानकारी है वो आई है कि प्रस्नातक के लिए जल्दी जो प्रवेश है वो लिया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि अभी तक जो अंतिम वर्ष का रिजल्ट नहीं आया तो इसी की वजह से जो कि आप लोग के पीजी के जो एडमिशन है वो नहीं हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो आप लोग के रिजल्ट हैं वो कब तक आ रहा है उसको लेकर यहाँ पे देखिए कुछ बातें कही गई हैं। और यहाँ पे देखिए जो कि कहा गया कि आप लोगों के जो रिजल्ट हैं वो भी जल्द जारी कर दिए जाएंगे। 1 अगस्त से जो कि यूजी के जो एडमिशन थे वो चल रहे हैं, लेकिन पीजी के जो एडमिशन है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं। और जाहिर सी बात है कि जब आप लोगों के रिजल्ट नहीं आए हैं तो किस तरह से जो पीजी के एडमिशन है वो करवाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए जो कि खास बात कहा गया कि आप लोगों की जो परीक्षाएँ थी वो अगस्त में ही हो रही थी, लेकिन अभी तक जो मूल्यांकन है वो समय पर पूरा नहीं हो सका और इसी की वजह से जो रिजल्ट है वो आप लोग के अभी तक जारी नहीं हुए हैं। लेकिन और यहाँ पे देखिए जो कि खास बात है जो कि बताया गया है कि आप लोग के जो रिजल्ट होंगे वो 1 सप्ताह में ही जारी कर दिए जाएंगे। यानी कि अगर 1 सप्ताह में आप लोग का रिजल्ट आया तो मान के चलिए कि 22 से पहले ही आप लोग के जो रिजल्ट होंगे वो जारी हो जाएंगे। यानी कि जो आप लोग अपने रिजल्ट को लेकर इंतजार कर रहे हैं तो अब आप लोग का जो रिजल्ट का इंतजार है वो खत्म होगा। 22 से पहले ही आप लोग के जो रिजल्ट होंगे वो जारी कर दिए जाएंगे। जब रिजल्ट आता है रिजल्ट को लेकर कोई भी अपडेट आएगी तो वो आप लोग को हमेशा मिलती रहेगी, इसलिए आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। लेकिन यहाँ पे जो सारी बातें बताई जा रही हैं कि 1 सप्ताह के भीतर ही आप लोग के जो रिजल्ट होंगे वो जारी हो जाएंगे, उसके बाद से जो पीजी के एडमिशन है वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सारी बातें यहाँ पे कही गई हैं। और जाहिर सी बात है कि अब जो रिजल्ट है वो आने में देरी नहीं होगी, क्योंकि आगे की भी जो प्रोसेस है वो भी कंप्लीट करनी है। तो इस वजह से आप लोग के जो रिजल्ट होंगे वो लगभग 22 से पहले जारी हो जाएंगे। इसलिए आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपके जो भी सवाल हों तो अपने सवाल को भी कमेंट कर दें।